थाना मंझोला लाइन पर शिवाजी नगर मेन रोड के गली नंबर 2 में रहने वाले भगवत शरण सैनी एडवोकेट पुत्र स्वर्गीय नारायण सिंह सैनी के घर पर विगत दिनों कुछ लोगों ने घर में कूमल लगा करके घर में घुस गए और हथियारों के बल पर घर वालों को बंधक बनाकर उनसे लूटपाट की। ये सारी घटना CCTV में कैद हो गई। जब उनकी CCTV कैमरे पर निगाह पहुंची तो उन लोगों ने CCTV कैमरे की तारें और कैमरे तोड़ दिए। उपरोक्त घटना की जानकारी जब भगवत शरण सैनी एडवोकेट को मिली तो उन्होंने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी, तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर बादी को पूछताछ के लिए चौकी बुलाया। भगवत शरण सैनी का आरोप है कि पुलिस मुलजिम के साथ मिलकर के उल्टा उन्हीं पर कार्यवाही करने लगी। पीड़ित भगवत शरण सैनी ने पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर कार्यवाही हेतु न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में CCTV कैमरे के साक्ष्य पेश करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई, तो कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए, जिस पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित भगवत शरण सैनी एडवोकेट से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनके सगे रिश्तेदार इस कृत्य को अंजाम देने में लगे हैं। भगवत शरण सैनी के मुताबिक यह मामला संपत्ति विवाद को लेकर खड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवत शरण सैनी एडवोकेट जी। का किस प्रकार की आ रही है, 22 अगस्त 2021 को दिन के 2 बजे करीब मेरा निवास स्थान शिवाजी नगर मंझोला मेन रोड गली नंबर 2 का निवासी हूँ। षड्यंत्र के तहत मुझे वहाँ से निकाला गया मेरे अपने निवास स्थान से, और मैं वहाँ अपने निजी कार्य से मानपुर नारायणपुर मुरादाबाद गया हुआ था। तो वहाँ मेरे पहुँचते ही आधे घंटे बाद जो कि मेरा सगा भाई राकेश सैनी व उसका दोनों बेटे, उसकी धर्मपत्नी, मेरे भतीजे की धर्मपत्नी और अन्य लोग कुल मिलाकर के 8 व्यक्ति नामजद जो कि आज की तारीख में मुलजिम बन चुके हैं, और उन्होंने मेरे घर में प्रवेश 22 अगस्त को दिन रविवार का था, रक्षाबंधन के बहाने मुझे वहां से निकाल के मेरे घर में कोमल करके और गन पॉइंट पर लूट की मेरे बेटे के, छोटे बेटे मुकुल सैनी के साथ में, और उससे अंगूठी और चैन और कुछ रुपए 6600 रुपये उसकी जबरिया गन पॉइंट के द्वारा उससे छीने निकाल लिए गए, जिसकी मैंने 112 नंबर को मैं घटनास्थल पर पहुंचा। मेरे बेटे ने फ़ोन करके मुझे बुलाया तो मैं घटनास्थल पर पहुंचा। मैंने वहां पहुंचते ही 112 नंबर को फ़ोन किया तो 112 नंबर पुलिस आई, मुझे और मेरे भाई को मंडी समिति चौकी इंचार्ज के समक्ष ले गई। मैंने अपना पक्ष रखा तो मेरा पक्ष सुनने के बजाय चौकी इंचार्ज ने हमसाज होते हुए मेरा 151 में चालान किया। मैंने बहुत ही उनसे रिक्वेस्ट की परंतु उन्होंने मेरे कोई न सुन करके रात भर मुझे वहाँ लॉकअप में डाला, लॉकअप में मुझे बंद करा रखा रात भर, न खाने को न पीने को, जबकि मुझे 5 दिन से फीवर चल रहा था। सुबह को ना मुझे किसी प्रकार का कोई दवा वगैरह या कोई नाश्ता वगैरह मेरे घर से जो कि आया उसमें भी उल्टी सीधे मेरे साथ अपमानित किया गया। और उसके बाद में मैं उनके पास जाता हूँ अपनी FIR दर्ज कराने के लिए, उन्होंने मेरी FIR दर्ज नहीं की। फिर माननीय न्यायालय के मैं समक्ष पहुँचा तो वहाँ जा कर के CGM साहब महोदय ने मेरी बात सुनते हुए उन्होंने आदेश किए जो कि संज्ञेय अपराध हैं किए इन्होंने।